हेलो दोस्तों, हैप्पी क्रिसमस। अब आज क्रिसमस है और क्रिसमस के दिन मीठा ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज मेरे साथ में अपन राजस्थानी तरीके से मिठाई बनाते हैं क्रिसमस पे। आज हम आए हैं मम्मी की रसोई में। आज मम्मी अपन को बाजरी की रोटी बनाना सिखाएंगे। पहले बाजरी के आटे में नमक डाल के और गर्म पानी से इसको गूंदा जाता है। बाजरी की रोटी सर्दियों में काफी खाई जाती है राजस्थान में। तो इसको गुड़ और शक्कर के साथ में चूरा जाता है, और अगर तिलों का तेल मिल जाए नागौर वाला फिर तो इसमें कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। अब हर जगह तो तिलों वाला तेल मिलता नहीं, इसलिए इसको ऑप्शन दूसरा घी ही होता है। घी के अंदर चूर के चूरमा बना के खाओ, काफी टेस्टी लगता है फिर तो, यमी यमी कहना ही क्या। तो आइए आज मम्मी अपन को सिखा रहे हैं, तो अपन हाथ से पानी से बनाई हुई रोटी बनाना सीखते हैं। इसके लिए पहले तवा गर्म रख दिया अपन ने, मम्मी ने आटा गूंदा है आपके सामने, ये देखिए मम्मी हाथ से रोटी बेलना शुरू कर रहे हैं। इसको पानी वाली रोटी बोलते हैं। एक तो अपन चकले पे बनाते हैं आटे वाली रोटी, और दूसरा है ये दूसरी, ये जो मम्मी हाथ से बना रही है देखिए, ये इस तरह बढ़ाई जाती है इस रोटी को। ऐसी ट्रिक हर किसी को नहीं आती, ये मम्मिया ही है जो बना सकती है। ये देखिए ये ऐसे रोटी बढ़ जाती है, गैस करी हुई है अपनी ओन। ये तवे पे मम्मी रोटी रख रही है, देखो ना कहीं से टूटी ना। इसमें अगर आपको टूटने का लगे तो थोड़ा सा जो है गेहूं का आटा मिक्स कर लीजिए, फिर ये आटा लगाइए। इसको सीखते थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे सीखेगी ये। जैसे गेहूं की रोटी जल्दी सीखती है, ये इतना जल्दी नहीं सीखती, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। जब एक साइड से ये देखो सीख गई, दूसरी साइड से भी हल्की अकड़ी हो जाएगी ना, तब इसको तवे से उतार के और फिर गैस पे सीधा सेकेंगे, जिससे ये सीख जाती है। ये चूल्हे पे भी बनती है, लेकिन आजकल चूल्हा तो फिर हर जगह बन नहीं सकता क्योंकि सबके घर पके हैं। तो ये इस तरह इसका, इसीलिए आपको ऑप्शन दिखाया है। सर्दियों के अंदर ये बाजरी की रोटी प्रॉफिट भी काफी करती है। ये देखिए लगभग सीख गई है। अब बाजरी का खिचड़ा हुआ, बाजरी की रोटी हुई, ये सर्दियों में काफी खाई जाती है, इसीलिए आपके लिए ये स्पेशल क्रिसमस के ऊपर स्पेशल राजस्थानी भोज लेके आए हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, नजदीक से देखिए, लगभग ऊपर से तो अकड़ी हो चुकी है, नीचे से भी इसमें धुआं सा दिखाई दे रहा होगा। ये सिक चुकी है, अब इसको अपन गैस के ऊपर से वैसे सेकेंगे। ये देखिए काफी टेस्टी लगती है ये रोटियां, धीमी धीमी आंच पे और ऐसे सेकिए ना, तो ये जलेगी। ये देखिए एक साइड से सिक गई और ये दूसरी साइड से सिक जाएगी। ये देखो ये दोनों साइड से तैयार है, ये लीजिए खाइए बाजरी की रोटी लीजिए। ये देखिए मैंने आपके लिए बाजरी की रोटी का चूरमा भी बना के रखा है, क्रिसमस स्पेशल। कैसा लगा ये मेरा वीडियो जरूर बताइएगा, एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए, और साइड पे जो बेल आइकन है उसको भी दबाने की कृपा करना। थैंक यू, बाय।